सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। इट्स रिव्यू टाइम और आज मैं आप लोगों के साथ बेला वीटा ऑर्गेनिक का हाइड्रा प्लस फेस जेल जो है उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ फॉर द नॉर्मल टू ड्राई स्किन। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन टाइप बता देती हूँ कि मेरी स्किन जो है वैसे तो नॉर्मल है, बट विंटर्स के टाइम में रफ एंड ड्राई सी हो जाती है और गर्मियों के टाइम में ये ना काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो अब भी जो सीज़न चल रहा है इसके हिसाब से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड रफ सी हो गई थी और इसलिए मैं इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हूँ और अब मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। 48 आवर्स जो है आपको ये हाइड्रेशन देने का क्लेम करता है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी आउटर पैकेजिंग है, सारे डिटेल्स इसमें मेंशन है और ये डीपली हाइड्रेट, नरिश और मॉइस्चर को रिस्टोर करने का क्लेम करता है। प्राइस इसकी 399 रुपीज़ है फॉर द क्वांटिटी ऑफ 50 ग्राम और शेल्फ लाइफ इसकी जो है वो 2 इयर्स है। इसमें इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री है, साथ ही साथ किसी भी तरह के एनिमल पे कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, तो काफ़ी सेफ है। इंडियन ब्रांड है ये और ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदा से ये इंस्पायर्ड होकर के प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, तो काफ़ी सेफ़ प्रोडक्ट मुझे ये लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं लगता है मेरी स्किन पे। तो अब देखते हैं इस पे इनका जो की इंग्रेडिएंट है वो क्या है। सबसे पहले इसमें है स्नो मशरूम, देन मोरिंगा ऑयल, पैशन फ्रूट, कोकोनट वाटर और ये चारों चीज़ें आपके स्किन का जो वाटर लेवल है ना उसको मेंटेन करता है, हाइड्रेशन देता है, स्किन को बहुत ज़्यादा जो है प्लम्पी बनाने का काम करता है। तो अब मैं आपको इसको खोल करके दिखा रही हूँ। इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, ग्लास जार है। आई नो इट्स नॉट गुड फॉर द ट्रैवल फ्रेंडली तो नहीं है, बट पैकेजिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और क्वांटिटी काफ़ी अच्छे अमाउंट में इन्होंने दिया है और मैं काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ कर चुकी हूँ। थोड़ा सा वेट है क्योंकि ग्लास जार है, तो बट आपको ये अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ ये नहीं है कि ग्लास जार में है तो कोई प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा बस। और इसका अगर कैप हटाते हैं तो एक छोटा सा, मतलब कि एक इसमें नॉर्मल सा स्टॉपर है, तो स्टॉपर को हटाने के बाद इस तरह से आपको ये जेल के फॉर्म में मिलेगा। ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादातर मॉइस्चराइज़र जो होता है या क्रीम बेस्ड होता है या ऑयल बेस्ड होता है, बट ये जो है जेल बेस्ड है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। और जेल जो है बहुत अच्छे से स्किन पे पेनिट्रेट हो जाता है, बहुत क्विकली अब्जॉर्ब होता है, तो ये ड्राई स्किन वाले इसे एक ट्राई दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, बिल्कुल जेल बेस्ड है और रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, एकदम परफेक्ट इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी है। और इसे आप, इसका जो पूरा रेंज आता है हाइड्रा प्लस का जो फेस वॉश है, टोनर है, आप उसके साथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ऐसा इनका क्लेम है। बट मैं सिर्फ इस जेल को यूज़ कर रही हूँ फिलहाल और मैं फ़ेस वॉश करने के बाद डायरेक्टली इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ठंडी में मैं जो हूँ टोनर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, तो ये बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे। और मैं इसे अक्टूबर से लगाना शुरू की थी, नवंबर दिसंबर फुल मैंने डेली बेस पे और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया। हालाँकि इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट लेनी नहीं पड़ती, बट मेरी स्किन काफ़ी ड्राई लग रही थी तो मैं इसे यूज़ करती थी और काफ़ी, मतलब कि दिन भर में मैं 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे तो इसे डे टाइम में यूज़ करना है, दिस इज़ नॉट नाइट क्रीम, बट मैं इसे जब भी मेरा मन करता है ना मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। जब भी मेरी स्किन मुझे थोड़ी ड्राई और रफ सी लगती है तो यूज़ करती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट काफ़ी नेचुरल भी हैं और दूसरे भी इंग्रेडिएंट इसमें हैं, जुजुबा ऑयल है, उसके बाद जो है पैशन फ्रूट है, आलमंड ऑयल है, विटामिन ए एंड सी इसमें है। तो ये आपको वाइटनिंग या ब्राइटनिंग फेयरनेस का कोई क्लेम नहीं करता है, ये 48 आवर्स का क्लेम करता है कि हाइड्रेशन देगा, बट इतने ज़्यादा टाइम तक नहीं ये चलता है। 2-3 घंटे का हाइड्रेशन तो पक्का है, आप दिन भर में 2 बार इसे लगाओगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, स्किन इतनी अच्छी से, मतलब कि नरिशमेंट हो जा रही है, मॉइस्चराइज हो जा रही है, बट बिल्कुल भी जो होता है ना ग्रीसीनेस नहीं है इसमें। तो अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा है तो मैं इसे 5 out of 5 दूंगी और मैं इसे रिपर्चेस करना पसंद करूंगी। प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बट डिस्काउंट आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। अगर आप इसके साथ स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और वो होता है ना कि एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हो तो आप लैक्मे का जो है स्किन ग्लॉस सीरम और जेल वो यूज़ कर सकते हो, बट बजट के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। इट्स नॉट मतलब कि स्पॉन्सर्ड वीडियो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी, आई रियली लाइक इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।